हेलो किसान में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं सिंह हाजिर के एक और नए एपिसोड के साथ, और नए विषय के साथ हम हर बार हेलो किसान में अलग -अलग अधिक जानकारी हमारे विशेषज्ञ पहुंचाते हैं और साथ ही हम आपके प्रश्न भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं जैसा कि आप जानते भी हैं क्योंकि लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे हमारे किसान रेगुलर इसमें कॉल भी करते हैं तो आइए बता देते हैं आज सबसे पहले कि आज का विषय क्या है जिसे जुड़े हुए आज आपके प्रश्न लेंगे आपके सुझाव भी हो सकते हैं, या फिर आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञ भी उस पर विस्तार से बात करेंगे तो सबसे पहले नजर आज के विषय पर आज का विषय है जैविक खेती और स्वच्छ भारत अभियान जी हाँ एक बार फिर से आपको बता दें जैविक खेती और स्वच्छ भारत अभियान ये आज का विषय है दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय की मांग है जैविक खेती यानी जब हम खेती में रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल भी होता है और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि आज के समय की मांग इसलिए भी है कि जिस तरीके से रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है ऐसे में फिर से मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए जैविक खेती ही एक रास्ता है और साथ ही जैविक खेती से जो हमें अनाज प्राप्त होता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है साथ ही हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा है क्योंकि स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वच्छता किसे पसंद नहीं होती है तो चाहे वो गांव हो या शहर हो गली हो या फिर सड़क हो हर जगह स्वच्छ भारत अभियान को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इसका असर ज़मीन तक पहुंचे इस पर हम आज कैसे बात करेंगे कैसे इसे किया जा सकता है इस पर भी हमारे विशेषज्ञ जानकारी देंगे आप भी अपने प्रश्न हम तक पहुँचा सकते हैं आइए बता दें आपको अपना टोल फ्री नंबर दो टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः शून्य दूसरा नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः एक टोल फ्री नंबर यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा बस आपको फ़ोन करना है और अपनी बातें हम तक पहुंचानी है और एक बार फिर से बता दें आज का विषय ऐसा है जिसमें आपके कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं आपके सुझाव भी हो सकते हैं और आर आप अपने अनुभव भी हमारे साथ हमारे मंच पर साझा कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान अभी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं और आप अपनी बात तक पहुँचाएंगे तो इसका एक सकारात्मक असर भी पड़ेगा तो जैविक खेती और स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर जे पी एस डबास हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से हम इसे अपना सकते हैं और कैसे इसे बेहतर तरीके से गांव गांव तक पहुंचाया जा सकता है बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कार्यक्रम में धन्यवाद तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जैविक खेती के बारे में जान लेते हैं जैसा कि मैंने कहा कि आज के समय की मांग है कैसे जैविक खेती क्यों हमारे किसान अपनाए क्योंकि इसको लेकर के भी बहुत तरह के सवाल किसानों के मन में उठते हैं जैविक खेती अपनाने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण तो है सबसे पहली बात तो ये कि हमारे किसान की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में रसायनों का प्रयोग करता है रासायनिक खादों का प्रयोग करता है और ये सभी के सभी बाजार से उसको लेने होते हैं जिसका बाजार में भाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है और उसको उतनी ही पैदावार लेने के लिए हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है या दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़ती है इससे उसकी लागत लगातार बढ़ती रहती है लेकिन जो वो पैदा करता है उसका बाज़ार में क्या मूल्य मिलेगा क्या भाव बिकेगा ये ना तो किसान को मालूम होता है और ना ही कोई ऐसा प्रोविजन है कि नहीं, अभी नहीं इसको है। बहुत सारी चीजें इस दिशा में होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं हमारी सरकार भी इसको लेकर बहुत गंभीर है तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कुछ तो समस्याओं के बारे में बताया लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी आपको इस दिशा में देखने को मिल रही होंगी नहीं दिशा में चीज़ें तो बहुत अच्छी है क्योंकि हम जब जैविक खेती की बात करते हैं इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे पास जैविक उत्सव उत्पाद बच जाते हैं चाहे वो पशुओं का गोबर हो या पर जो फसलों के अवशेष हो या घर में भी कूड़ा करकट हो तो उसको हम अगर एक खाद में परिवर्तित करते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो ये स्वच्छ भारत के लिए के मूल आधार बना पैदा करता है दोनों जुड़ भी जाते हैं एक तरीके से दोनों जुड़ जाते हैं और यही इसी से जो खाद बनता है उसी का हमें खेत में प्रयोग करना होता है क्योंकि जो भी फसल है उनको एक भोजन लेना होता है फसले भी जितने भी पौधे हैं सभी जीवित हैं जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता होती है इसी तरह हमारे पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है उनका भोजन अलग है हमारा भोजन अलग है जब हम अपनी बात करते हुए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसकी बात करते हैं लेकिन हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है।, है जब ये पोषक तत्व अगर पौधे को संतुलित मात्रा में मिलते हैं और बाकी चीजें सब ठीक रहती हैं तो पौधा भरपूर पैदावार देता है और पैदावार हमारे किसानों को जो मिलती है तो उनको अच्छा पैसा मिल सकता है तो ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं जब हम रासायनिक माध्यम से देते हैं तो उसको रासायनिक खेती या पारंपरिक खेती या खेती कह सकते हैं लेकिन जब हम उसको इन पोषक तत्वों को जैव पदार्थों के माध्यम से देते हैं चाहे वो जीवाणु खाद हो या देसी खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या बायोगैस की सैलरी हो इनके माध्यम से देते हैं तो ये जो हमारी खेती है ये जैविक खेती की तरफ कही जाती है लेकिन जैविक खेती में ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार का एक प्रोटोकॉल है कई सारी उसमें आवश्यकताएँ हैं जो हमारे किसानों को पूरी करनी होती हैं कि जिस खेत में हम जैविक खेती करना चाहते हैं उस खेत में पिछले तीन साल से किसी भी रसायन का प्रयोग ना किया हो और उसकी हमें जांच करवानी है और जांच करके देखना है कि हमारा खेत उसके लायक है कि नहीं है नहीं। तो इसके लिए हमें बहुत सारी सर्टिफिक एजेंसी है तो जो जैविक फसल को सर्टिफाई करती है थीक थीक तो एजेंसियों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और किसानों को बताएंगे भी की कौन कौन सी वो एजेंसी है जहाँ से उन्हें यह सर्टिफिकेट मिल सकता है ताकि उन्हें बेहतर दाम मिले और उनके लिए एक बेहतर बाजार भी उभर कर, कर सामने आए आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं उत्पादकता को सतत बनाना प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है पर्यावरण और मानव के बीच लाभदायी और दीर्घायु संबंधों को आधार बनाकर आज की जैविक खेती की परिकल्पना की गई है जैविक खेती में पूरा खेत जीवंत मृदा तथा संतुलित जैविक प्रक्रियाओं सहित स्वपोषित तथा जैविक रूप से संपूर्ण होना चाहिए जैविक खेती कृषि की वो विद्या है जिसमें रसायनों के प्रयोग को नकारते हुए आदर्श उत्पादन प्रबंधन पर्यावरण स्वास्थ्य जैव विविधता तथा प्राकृतिक जैव चक्र द्वारा टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है आधुनिक जैविक खेती अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है भारत में प्रमाणीकृत जैविक खेती के अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र लगभग सत्तावन दशमलव एक लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैविक खेती प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता लिहाजा नाशी प्रबंधन के लिए अलग विधियों का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए जुताई विकल्प यांत्रिक विकल्प जैविक विकल्प को अपनाया जाता है वृक्षों की पत्तियों या बीजों का सत या अर्क नाशी जीवों के प्रबंधन में प्रयोग किया जा रहा है संपूर्ण भारत में फसल अवशेष एवं पशुओं का गोबर एक बड़ी समस्या है सभी केंद्रों से मिश्रित कवक कल्चर खरीदकर इसे स्वयं तैयार कर फसल अवशेषों व गोबर पर प्रयोग करने से ये अवशेष 30 से 50 दिन के अंदर अच्छी तरह से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए रास्ते तय करेगा जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा तो अभी हमने बात की जैविक खेती के बारे में उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी बातें हैं विस्तार से समझाई गई हैं और इन्हें और अच्छे से आप तक तो पहुंचाने के लिए हमारे विशेषज्ञ अगले एक घंटे तक आपके लिए हैं यहाँ पर अगर रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो आप हमें फ़ोन करें नंबर हम साथ ही साथ नीचे चलाते रहेंगे जहाँ से आप इन्हें नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर यानी कोई शुल्क आपका इस पर नहीं लगेगा मुफ्त नंबर है डभाष तो जी जैसा कि अभी अः हमने देखा कि किस तरीके से जैविक खेती जो है कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान में भी एक लाभ की चीज है यानी जो वेस्ट होता है जो जैविक कूड़ा होता है इसका इस्तेमाल हम जैविक खेती में कर सकते हैं उसके खाद में तब्दील करके लेकिन अगर हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो ये किस तरीके से और कौन कौन तरीक़ों से हमारे जो गांव के निवासी हैं जो हमारे किसान हैं वो इसे समझ सकते हैं इससे जुड़ सकते हैं क्योंकि कोई अभियान तभी कामयाब हो सकता है जब तक जब उसमें लोगों की भी भागीदारी हो हमारा देश गांव का देश है यहाँ पे लगभग पांच छह लाख लगभग छह लाख गांव हैं और हमारी जो अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में रहती है मात्र पैंतीस परसेंट लोग ही शहरों में रहते हैं तो जब तक गांव स्वच्छ नहीं होंगे तो देश स्वच्छ होना नामुमकिन है तो गांव का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है अब हमें देखना है कि गाँव में स्वच्छता की कमी क्या क्या है और क्यों है और कैसे है उसके क्या क्या, क्या कारण हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम पशुपालन करते हैं गाँव के अंदर ये हमारी कृषि का एक बहुत ही मुख्य आधार है और पशुपालन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अधिकतर हम जो हमारे गांव के किसान हैं जो पशु का गोबर है वो गांव के बाहर डाल देते हैं जिससे काफ़ी गंदगी होती है और ये जो गंदगी है ये केवल गंदगी नहीं है बल्कि इससे बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो पशुओं में फैल सकती हैं बहुत सी ऐसी कीटाणु होते हैं इसके अंदर जो मनुष्य में बीमारी भी पैदा कर सकते हैं और बहुत से ऐसे भी कीटाणु होते हैं जो फसलों में भी बीमारी कर सकते हैं तो ये जो गोबर गाँव के बाहर पड़ा रहता है तो उसका स्वच्छ होना बहुत जरूरी है पहली बात दूसरी बात तो जो हमारे देश बार बार पूरे देश में एक चर्चा चल रही है कि हमारे जो स्वच्छ सोच जो है वो अपन खुले में सोच कोई ना जाए और हमें उसके लिए सही से व्यवस्था करनी है तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि खुले में सोच जाने से बहुत सारी गंदगी फैलती है और इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और ये गांव की एक प्रमुख समस्या है सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है कि हर घर में शौचालय हो और कुछ सामूहिक शौचालय भी हो जहाँ पे आम आदमी जा सके और कोई भी लोग खुले में ना जाए तो एक बहुत अच्छी बात है लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो हमारे पशुओं का गोबर है या जो कूड़ा करकट है या जो सब्जी के कई बार पत्ते हम जब सब्जी तोड़ते हैं जैसे गोभी की बात करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हम बाज़ार में आ जाता है लेकिन कुछ हिस्सा खेत में रह जाता है और कई बार जब हम उसको कहीं एक जगह डाल देते हैं तो नुकसान करता है तो ये जो वेस्ट है या जो बायो प्रोडक्ट है इन बायो प्रोडक्ट को हमें वेल्युएडेशन करनी है यही कि वेस्ट टू वेल्थ जी 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 जो आपके पास जो एक चीज बेकार पड़ी थी जो एक समस्या बनी हुई थी वो एक समस्या नहीं है बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है समाधान हो सकता है तो इसको अगर हम सही मत से खाद में अगर परिवर्तित करते हैं तो एक तो हमें बहुत अच्छा खाद मिल सकता है इससे साथ साथ में हमें ऊर्जा भी मिल सकती है अगर हम उसको परिवर्तित करने का तरीका अगर दूसरा लेते हैं जैसे खाद बनाने के मुख्य हमारे दो तरीके हैं एक तो हम जो खुड़े में कुर्डी में खाद बनाते हैं जो एक जगह ढेर डालते हैं गोबर का या बाकी चीज़ों का दूसरा तरीका एक नया खाद आजकल चल रहा है जो काफी किसान उसको अपना भी रहे हैं कि केचवे के माध्यम से भी हम जल्दी खाद बना लेते हैं और अच्छा खाद बना लेते हैं जी जी, जी. और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण खाद का तरीका है वो ये है अगर इस वेस्ट को या इसको गोबर को या जो दूसरा हमारा प्लांट वेस्ट है इसको अगर बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं तो एक बहुत अच्छा खाद भी बन जाता है जी, साथ साथ में आपको एक एनर्जी मिल जाती है जो गैस मिलती है उस गैस से आपका चूल्हा भी जल सकता है उस गैस से आपका दूसरे काम भी रोशनी भी हो सकती है।, है और गैस की मात्रा अगर अधिक है तो आप उससे बिजली भी बना सकते हैं और अपना ट्यूबवेल भी चला सकते हैं और घर के दूसरे कार्य भी कर सकते हैं तो ये तीन ऐसे विकल्प हैं जो हमारे किसानों के पास उपलब्ध हैं और इन तीनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जैसे जो वर्मी कंपोस्ट अपनाते हैं तो उसके लिए भी सरकार की कई सारी योजनाएं हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट कैसे अपनाएं उसमें आपको कुछ सब्सिडी भी मिलती है जानकारी भी मिलती है और जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ से आपको ट्रेनिंग भी मिल सकती है तो उसका हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे किसान भाई जो एक नई ये जो तकनीक इसको सीखें और इसको अपनाएं और इसे अपने खेतों के लिए बहुत अच्छा खाद भी बनाएं और गाँव को स्वच्छ रखने में इसका लाभ उठाएं दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण तकनीक जो मैंने भी बताया कि बायोगैस प्लांट है तो इसके लिए भी सरकार अनुदान भी देती है ट्रेनिंग भी देती है उसको प्रोत्साहन करने के बहुत सारे तरीके भी अपना रहे हैं जी, जी। तो इनको प्रोत्साहन करने के इसलिए किया जा रहा है कि जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा खाद मिल जाए कम लागत में मिल जाए जल्दी मिल जाए और साथ साथ में उनके जो घर चलाने के लिए जो चूल्हा चलाने के लिए गैस भी मिल जाए रोशनी के लिए भी गैस मिल जाए और जो कुछ किसान जो हमारे डेयरी वगैरह किए हुए हैं तो उस गैस का प्रयोग बिजली बनाने में भी कर सकते हैं अन्यथा मूल्य संवर्धन में उसका प्रयोग किया जा सकता है कि जिससे जैसे दूध का कुआ बना सकते हैं पनीर बना सकते हैं मावा बना सकते हैं और इन को, सब को सबको बनाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि एनर्जी आपको बायोगैस प्लांट्स के, के माध्यम से मिल जाएगी तो इससे कम लागत में आप ज्यादा लाभ उठा पाएंगे और साथ साथ में जो वेस्ट थी उसे आप वेल्थ कमा पाएंगे दो तरीके से एक तो आपके पास खाद हो गया दूसरे आपके पास गैस होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी किसान भाई हैं अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास करेंगे और जो भी उनके पास वेस्ट जनरेट होता है 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 उसको आपको आपको कैसे हैंडल कर, करना है, ये आपको सोचना है। जी बिल्कुल तो स्वच्छता जहाँ एक तरफ जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए भी और जब साफ सफाई आसपास होती है तो मन भी खुश रहता है लेकिन कैसे आप इससे लाभ उठा सकते हैं चाहे वो खेती में हो या फिर जैसा कि हमें डॉक्टर डबास ने बताया कि अगर आप बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो उससे कितनी सारी और अन्य जो ज़रूरतें हैं आपकी वो पूरी होती हैं चाहे वो ऊर्जा की ज़रूरत हो खाद की ज़रूरत हो या फिर गैस चूल्हा जो है उसे भी आप जला सकते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी भी उसे उत्पन्न कर सकते हैं तो इसे हम यही कहेंगे कि जो जिसे हम वेस्ट या फिर जिसे हम कूड़ा समझते हैं वो कूड़ा दरअसल नहीं है वो एक अपने आप में आपके लिए रिसोर्स है एक आ, कह सकते हैं कि लागत कम करने का माध्यम है बस जरूरत यह है कि आप इसे समझें और इन्हीं बातों को समझाती हुई देखिए हमारी ये रिपोर्ट स्वच्छता की बात महात्मा गांधी के दिल के बेहद करीब थी उन्होंने कहा था कि साफ सफाई और स्वच्छता राजनीतिक आजादी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उन्होंने ये भी कहा था कि एक आदर्श गांव वो है जहाँ पूरी तरह सफाई है और इसी के साथ देश में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई स्वच्छता का काम अब पूरी तरह एक जन आंदोलन बन चुका है कि जिसका मकसद भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाना है स्वच्छ भारत अभियान के कारण अब खुले में शौच जाने वालों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है छह राज्यों और 200 से अधिक जिलों ने तो खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित भी कर दिया है स्वच्छता से डायरिया और कई बीमारियों के मामले में कमी आती है जिससे देश को बाल मृत्यु दर को नीचे लाने में मदद मिली है इतना ही नहीं इससे स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा भी सुनिश्चित होती है इस अभियान को और मजबूती देने के लिए अब देश में 15 सितंबर से, से करीब दो पखवाड़े का समय स्वच्छता ही सेवा के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और हमारे कॉलर हैं संजीव जिन्होंने ओडिशा से हमें कॉल किया है आइए हम बात कर लेते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के हेलो किसान के पहले दर्शक हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है जी संजीव जी स्वागत है हेलो बताइए क्या पूछना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं मैं ये क्वेश्चन है जी मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ संजीव जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुँच पा रही हम तक फिर से बात बताइए क्या कह रहे हैं मैं खेत में जैविक खेती करना चाहता हूँ जी हेलो जी फिर से बताइए सवाल आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं रही हम तक मैम मैं अपना जमीन में जैविक खेती करना चाहता हूं जैविक खेती आप करना हाँ। चाहते हैं मगर मेरे जो साइड में जितना कर रहे हैं अभी जमीन बेच वो लोग रासायनिक कर रहे हैं जो? ठीक है जी जी ठीक है संजीव जो है ये जैविक खेती करना चाहते हैं और कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने बताया जितना मुझे समझ आया लेकिन वही जो दूसरे किसान हैं जो कि आ, उनके कि सट, इनके खेत के साथ सटे हुए खेत हैं वहाँ पर रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या आ, इनकी जो आ, फसल है वो पूरी तरह से जैविक हो पाएगी या नहीं और इसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए ये जाना चाह संजीव जी जो हम जब जैविक खेती की बात करते हैं तो हमारा सब, सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि जिस खेत में हमें जैविक खेती करनी है उस खेत को अन्य खेतों से अलग करना है क्योंकि अगर उसका पानी अगर आपके खेत में आएगा तो उसके जो रसायन आपके खेत में पानी उसके पानी के साथ आ सकते हैं उसके खेत का कोई को ट्रैक्टर या कोई भी इम्प्लीमेंट अगर आपके खेत में आता है तो वहाँ से भी आपके पास में आ सकता है तो हमें जो जैविक खेती करनी जिस खेत में जैविक खेती करनी है उसको अलग से डिमार्केट करना है और उसके सभी चीज़ें वो अलग होंगी दूसरे खेतों के निस्पत क्योंकि दूसरे खेतों में आप रसायन भी यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर वो भी आपके खेत में आएंगी तो आपका खेत जैविक खेती नहीं रहेगी पहली बात दूसरी बात ये जब हम जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो शुरू में तीन साल के लिए कन्वर्जन पीरियड होता है हमारी मिट्टी की जाँच होती है और हमें क्योंकि कोई भी उत्पाद अगर जैविक बेचना है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है सर्टिफिकेशन होने के लिए हमें सर्टिफाइंग एजेंसी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट करने के बाद में उनको दिखाना पड़ेगा वो आपकी मिट्टी भी जाँच करेंगी और आपको पूरी जानकारी भी देंगी कि आपको अब आप कैसे कैसे करना है और जब तक आप तीन साल का आपका कन्वर्जन पीड है उसमें आपको कन्वर्जन पीड़ का नाम से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा लेकिन जैसे ही आपका खेत सर्टिफाई हो गया अगर जैविक खेती है खे, खेती के लिए बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद में आपको जैविक बीजों भी, का प्रबंध करना पड़ेगा और अपने खेत में सभी के सभी जैविक के ही साधन अपनाने पड़ेंगे तब हम इसकी उत्पाद को जैविक कहेंगे अगर आपके पड़ोसी के खेत का पानी आपके खेत में आ रहा है तो आपका खेत जैविक नहीं रहेगा इसलिए बहुत ज़रूरी जो भी जैविक खेत है उसको अन्य खेतों से अलग करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद ही हम उसको जैविक खेत मानेंगे अगर नहीं तो वो जैविक नहीं रह जाता है और जैविक खेती के जो प्रोटोकॉल है जिसमें आप जो सर्टिफिकेट एजेंसी आपसे जिससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो भी इसको जब भी सर्टिफाई कर पाएगी तब आप उसके मिनिमम जो मानक हैं उनका पालन कर रहे होंगे तो ये करना बहुत जरूरी है अगर आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो जी 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 तो जो आपने बताया कि जो मानक हैं उसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वो मानक कौन कौन से हैं और अगर आपके भी कोई प्रश्न है चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें या फिर जैविक खेती की तो अभी बहुत सारा समय बाकी है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे दर्शक हैं किसान जो हैं वो अपनी भागीदारी रखें हमारे कार्यक्रम में क्योंकि आपका ही ये कार्यक्रम है और आपसे ही है ताकि हमारे जो अन्य किसान हैं वो भी आपकी बातों को जाने नवाजी अब मैं स्वच्छ भारत अभियान पर आना चाहूंगी जैसे कि आपने बताया कि इसमें सरकार भी काफी कुछ कर दर्शक है क्या सवाल है आपका मध्य प्रदेश से हमारे साथ गणेश पाठक जी मैम मुझे केचुआ पालन करना था लिए क्या करना पड़ेगा केचुआ पालन करना चाहते केचुआ खाद बनाना चाहते है आप जी कैचुआ खाद ए, मैं गणेश जी को बताना चाहूंगा कि जो हर जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करेंगे तो कृषि विज्ञान केंद्र वाले आपको पहले ट्रेनिंग देंगे ये आपको कैचुए का पालन कैसे करती है।, है ये लगभग दो दिन से लेकर और एक हफ्ता की ट्रेनिंग जी, होती जी, है जी। और अलग अलग समय पे होती रहती है और कई बार अगर ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो भी जो कृषि विज्ञान केंद्र के विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको कैचुआ खाद बनाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है क्या क्या आपको करना है तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि कैचवा खाद जो खुले में नहीं बनता है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ छाया का कोई ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा जिससे उसमें सीधी धूप ना पड़े नंबर एक नंबर दो जहाँ पे आप कैचवा खाद बना रहे हैं उसको एक ठीक से संपल होना बहुत जरूरी है और वहाँ पर पानी का भी उपलब्धता होनी चाहिए दूसरी बात जब कैचआ खाद बनाते हैं तो शुरू में आप कैचवे बाजार से खरीद कर लाएंगे उसके बाद तो आपके अपने ही कैचवे हो जाएंगे और उसके बाद जो है आपको कैचवा खाद बनाने के लिए आपको जो ट्रेनिंग लेंगे उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको जो ढेर बनाना है गोबर का वो किस तरह से बनाना है कितना लंबा बनाना है कितनी चौड़ाई रखनी है इसकी चौड़ाई एक फुट से ज्यादा नहीं होती है और उसकी जो ऊंचाई है वो भी एक एक से डेढ़ फुट ही रखनी होती है और इसमें गोबर के साथ साथ में दूसरी चीजें भी प्रयोग की जा सकती है जैसे पत्ते हैं घर का वेस्ट है कूड़ा है जी जो जी। भी बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो इसमें प्रयोग की जा सकती हैं और आपको समय समय पे इसमें पानी का छिड़काव करके इसको गीला रखना पड़ेगा क्योंकि कैचुओं को पानी चाहिए उनको काफ़ी मात्रा में पानी चाहिए तो हो सकता है अगर गर्मी का मौसम है तो दिन में दो या, दो या तीन बार छिड़काव करना पड़े जिससे कि के कैचुओं को कोई दिक्कत ना हो और जनरली ये जो पक्षी जो हैं वो भी कैचुए को निकाल लेते हैं तो उनसे बचाने के लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा और कहीं कहीं पर तो डीमक से भी इसका नुकसान होता है तो उसके लिए आप तो आपको फर्श पक्का करना पड़ेगा या प्लास्टिक का प्रयोग करना पड़ेगा या आजकल कुछ ऐसे बैग आ रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं तो उससे अगर आप, आप वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा वर्मी कंपोस्ट होगा जिसका प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं और आजकल वर्मी कंपोस्ट बाज़ार में बिकने भी लगे हैं तो अगर आपके पास कोई अच्छा ग्राहक हो तो आप उसको बेच के पैसा भी कमा सकते हैं तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये काम करना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा खाद बनता है जल्दी बन जाता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है उसमें जो खाद के अंदर खरपतवार के बीज ना होने की वजह से जब उसका प्रयोग खेत में करते हैं तो आपके खेत में जो फसल अच्छी आती और का कम होता है और तो खरपतवारों है, है और आपको ज्यादा लाभ मिलेगा दर्शक जिन्होंने तेलंगाना से कॉल किया जी सचिन जी बताइए सवाल क्या आपका सचिन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप आओ, सुन पा रहा हेलो जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जैविक और रासायनिक में क्या डिफरेंस है वो मुझे सर से जानकारी चाहता रहा हूँ ठीक है बहुत अच्छा प्रश्न है सतेंद्र जी जैसा कि हम लोग आम खेती करते हैं तो उसमें जो बीज में बहुत से रसायनों का प्रयोग करते हैं बीज उपचार से लेके खाद से लेके अब उसमें अगर हमें खरपतवार को रोकना तो भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं और कई बार हमें बीमारी और कीटों के लिए भी रसायनों का प्रयोग करना होता है ये जितने भी रसायन हैं ये सब जहरीले रसायन है। तो हैं हैं हाँ। यानी केमिकल्स केमिकल्स वगैरह ये अधिकतर जहरीले हैं और जहरीले होने की वजह से इनका कुछ अवशेष हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में भी आ जाता है और बहुत से किसान भाई उसका जैसे हर एक डिब्बे पर लिखा होता है कि आपको कितनी मात्रा कब प्रयोग करनी है कैसे करनी है उसमें अगर हम चूक हो जाती है तो उससे और अधिक मात्रा आने की संभावना रहती है जब भी अवशेष हमारे भोजन में आत के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं तो इनका काफ़ी कु प्रभाव पड़ता है और दूसरी एक बात ये जितने भी रसायन हैं ये किसानों को बाजार से लेने पड़ते हैं तो उसकी उत्पादन लागत बढ़ती है जबकि अगर किसान अपने घर पर ही इनका प्रबंध कर ले और हमारे पास जो बहुत सारी देसी चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके अपनी अच्छी फसल ले अच्छी पैदावार ले जिसमें कि आपको रसायनों का प्रयोग नहीं करना होता बल्कि जितने भी जैविक तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं जैसे आपको जो खाद है वो अपने घर पर ही बनानी होती है चाहे वर्मी कंपोस्ट बनाएं या बायोगलरी बनाएं या फार्मेड मेन्योर का प्रयोग करें इसके अलावा आप हमारे बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं जो जीवाणु खाद है उनका भी प्रयोग किया जा सकता है जो पोषक तत्वों के लिए और ब्लू ग्रीन एल्गी का भी प्रयोग किया जा सकता है अगर आप धान की खेती करते हैं या याजोला का प्रयोग कर सकते हैं तो ये सारे के सारे ऐसे जो पोषक तत्वों के जो स्रोत हैं वो जो जैविक हैं इसके बाद बारी आती है बीज के उपचार की हमें बीज उपचार के लिए भी जो फपूननाशक दवाई का प्रयोग करना है वो दवा ना होकर बल्कि हमारे बहुत सारे जैविक कारक हैं जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत से दवाइयाँ जो हैं जैविक दवाइयाँ भी मिल रही हैं बाजार में हैं और इसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं फपोन नाशक जैविक दवाइयाँ हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे काली सेना है या ट्राइकोडर्मा बिल्डी का प्रयोग किया जा सकता है या बीज को उपचार करने के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है इसी तरह तो से खरपतवार जो निकालने के लिए हमें प्रयोग रोकथाम के लिए हमें दवा का प्रयोग ना करके हमें मैकेनिक तरीकों का प्रयोग करना होता है या दूसरी तरीकों का प्रयोग करना होता है जिससे फसल में खरपतवार ना आए या फतवा खरपतवारों को हम हाथ से निकालें या निराई गुड़ाई करके निकालें उसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना होता है और जब बीमारी और कीट का अगर प्रकोप दिखाई देता है उसके लिए भी बहुत सारे हमारे पास जैविक विकल्प उपलब्ध हैं जैसे आपने सुना होगा आजकल बहुत सारी फसलों में फिरोमोन ट्रैप्स लगते हैं ये जो ट्रैप्स हैं ये कीट नियंत्रण के भी काम आते हैं और साथ साथ में कीट की संख्या का भी हमें पता लग जाता है उसका प्रयोग किया जा सकता है इसी तरह ट्राइकोडर्मा वीडी या सुडोमोनास या दूसरे हमारे जैविक तरीके हैं जिनसे बीमारी का प्रबंध कर सकते हैं तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं और रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम उसको जैविक खेती कह सकते हैं लेकिन जैविक खेती करने के लिए हमें उस खेत का सर्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है और पहले तीन साल तक वो कन्वर्जन पीरियड में होगा तीन साल के बाद ही आपको जैविक का सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए एपिडा की तरफ से बहुत सारी सर्टिफिकेट एजेंसी है जिनसे आप संपर्क करके अपने उत्पाद को सर्टिफाई करके और उसको बाजार में अच्छे दामों पे बेच भी सकते हैं तो जैविक खेती और जो हमारी दूसरी खेती है उसमें काफी भिन्नता है जो मैंने आपको पूरी विस्तार से बताया है जी हमीर सिंह है रा, 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 राजस्थान से दर्शक हमारे साथ हनुमानगढ़ से उन्होंने फोन किया जी सिंह साहब हाँ बताइए सवाल बताइए हेलो जी जी सिंह साहब सवाल बताइए जी मेरा सवाल है जी 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 सुन रहे हैं जैसे अभी जो हमारी पहली जो बातचीत चल रही थी जो किसान ने पूछा था उसमें मैंने बताया था कि एपिडा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जैविक खेती के लिए नोडल एजेंसी है और इन्होंने कम से कम पच्चीस ऐसी तीस सर्टिफिंग एजेंसियों को किया हुआ है जो एनरोल किया हुआ है आप उनमें से किसी से भी अपना सकते हैं और राजस्थान के लिए के अंदर तो राजस्थान का जो कृषि विभाग है वो भी जैविका सर्टिफिकेशन दे रहा है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं तो आप या तो उनमें से कोई जो जो, जो अपीडा के वेबसाइट पे एजेंसियां हैं उनमें से किसी को चूज कर सकते हैं या अन्यथा आपके राज्य सरकार जो है वो खुद भी इसकी सर्टिफिकेट एजेंसी के तौर पे काम कर रही है आप राज्य सरकार के कृषि विभाग से भी संपर्क करके अपनी चीज़ों को सर्टिफाई करवा सकते हैं उसका लाभ ले सकते हैं जी और अब हम बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान पर तो अब स्वच्छ भारत अभियान में जैसा कि आपने बायोगैस प्लांट के बारे में बताया तो मैं चाहूंगी कि हमारे किसानों को इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं क्योंकि इसको लेकर भी बहुत तरह की भ्रांतियां हैं एक तो लोगों को ये लगता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है कामयाब नहीं है बार इससे पैदा होने वाली जो खाद है इसको लेकर के भी उन्हें बहुत तरह की आशंकाएँ रहती हैं लोगों को लगता है बदबू होगी और कैसे उस गैस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं चूल्हे में ये बहुत सारी बातें हैं तो थोड़ा इसके बारे में बताइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बायोगैस जो प्लांट है या बायोगैस की जो तकनीक है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में उन्नीस में देश में प्रसिद्ध सबसे पहले इसको दिखाया गया था उसको विकसित किया गया था और उसके बाद से सरकार ने इस पर काफ़ी जोर दिया और काफ़ी बढ़ी है और इसमें काफ़ी काफ़ी गुणात्मक भी प्रभाव बदलाव आए हैं और इसमें कई सारी एजेंसियों ने बाद में भी काम किया है सबसे पहले जो हमारा प्लांट था वो के मॉडल टाइप प्लांट था अभी हमारे पास कई किस्म के मॉडल भी आ गए हैं अब जो आपकी भ्रांति आपके मन में एक बात आती है कि जो बायोगैस है इसके अंदर बदबू आती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी चीज़ें जो सड़ गल सके चाहे गोबर हो चाहे हमारे पास पक्षियों की बीटे हो या हमारे आ, इवन जो ह्यूमन वेस्ट है या जो दूसरी सड़ी गली चीज़ें हैं वो जो भी सड़ गल सके सब का सब का प्रयोग बायोगैस बनाने के लिए किया जा सकता है लेकिन बायोगैस प्लांट के अंदर जब इनको डालते हैं तो उस बायोगैस प्लांट के अंदर कोई मशीन नहीं लगी हुई बल्कि उसमें बहुत सारे जीवाणु हैं छोटे छोटे जीवाणु हैं जो कि हमारे पशुओं के पेट में भी होते हैं वही जीवाणु बायोगैस प्लांट के अंदर होते हैं और ये जीवाणु इस गोबर को कच्चे गोबर को या जो कच्चा हमारा बायोडिकल वेस्ट है उसको बिल्कुल सड़ा गला देते हैं और उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं रहती है और ना ही उसके अंदर कोई मच्छर मक्खी बैठता है जब ये खाद बाहर निकलता है तो जो हमारा अगर प्लांट सही है और सही तरह से हम उसका बायोगैस प्लांट को यूज़ कर रहे हैं तो आपके खाद खाद के अंदर कोई भी किस्म की बदबू नहीं आएगी कोई भी किस्म का उसमें मच्छर मक्खी नहीं बैठेंगे और ये जो है आपको तरल अवस्था में मिलता है इस तरल खाद का प्रयोग अगर अपने सिंचाई जल के माध्यम से करते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है हमारी फसलों के ऊपर और इसको कभी भी प्रयोग किया जा सकता है खड़ी फसल में भी किया जा सकता है खाली खेत में भी किया जा सकता है और इससे आपकी जो लागत है वो भी कम आती है मेहनत भी कम करनी पड़ती है क्योंकि अन्यथा अगर आप कोई भी दूसरा जो खाद लेते हैं जैविक देसी खादे लेते हैं उसमें आपको सबसे पहले खेत में ले जाना पड़ेगा उसके ढेर बनाने पड़ेंगे ढेर बनाने के बाद में उसको बिखेरना पड़ेगा और इसमें सब में मैनुअल लेबर लगेगी आपकी पैसा लगेगा आपका समय लगेगा और आपका एक कष्ट होगा लेकिन इसका अगर जो सल बाहर निकलती है उसको अगर आप टैंक में ले जाएँ और जहाँ आपका ट्यूबवेल है या जहाँ पानी का स्रोत उसके पास लेके जाएँ और वहाँ से उसको पानी के साथ अगर खेत में घुल के जाने देते हैं तो पूरे खेत में बराबर मात्रा में फैल जाएगी और फसल में ज़्यादा अच्छा असर करेगी दूसरी बात आती है कि प्लांट फेल हैं मैं कहना चाहूंगा प्लांट फेल नहीं है अगर फेल है तो प्लांट के बनाने वाला और प्लांट के चलाने वाला फेल है जी, जी। जिस प्रकार से हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत सारे व्हीकल बनाती है वाहन बनाती है तो वाहन में कमी नहीं होती लेकिन वाहन को जो रखने वाला है वो उसकी कैसे देख करता है चलाने वाला उसको कैसे चला रहा है तो वो वाहन का बात होती है तो यही बायोगेस प्लांट के अंदर आती है तो सबसे पहली बात यह कि आप प्लांट कैसे बना है अगर प्लांट सही से बना है उसमें के अंदर सही फीडिंग हो रही है सही मात्रा में फीडिंग हो रही है तो आपके प्लांट में कोई खराबी नहीं आएगी आपको पूरा का पूरी गैस मिलेगी अच्छा खाद मिलेगा लेकिन अक्सर कमी रहती है कमी रहती है जब हम किसी अच्छे मिस्त्री से प्लांट ना बनवाए उसका अगर अनुभव नहीं है तो वो कई बार उसको एयर टाइट नहीं बना पाता है और कहीं ना कहीं लीकेज रह जाती है जी जी जी। जब लीकेज रह जाएगी तो आपका प्लांट काम नहीं करेगा क्योंकि लीकेज से गैस निकलती रहेगी और गैस का स्टोर नहीं होगा और ना ही अच्छा खाद बन पाएगा दूसरी अक्सर हम कमी करते हैं कि हम सीधे ही मिस्त्री को बोलते हैं इतना बड़ा प्लांट बनाओ जबकि प्लांट का जो आकार है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके पास में कितना गोबर है, है कितना वेस्ट है हुँ, हुँ. उसी के आधार पर अगर आप प्लांट बनाएंगे तो आपको गैस भी ज्यादा मिलेगी खाद भी अच्छा मिलेगा बदबू भी नहीं आएगी और प्लांट छोटा बना लिया मेटेरियल आपके पास ज्यादा है तो जो खाद निकलेगा वो कच्चा खाद निकलेगा पूरा खाद पक्के नहीं निकलेगा जब कच्चा खाद निकलेगा तो इस खाद के अंदर मच्छर भी बैठेंगे मक्खी भी बैठेगी बदबू भी आएगी जी जी अगर खाद के अंदर बदबू आ रही है और मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं तो आप समझो आपका खाद तैयार नहीं है आपका प्लांट छोटा है और आप उसमें फीडिंग ज्यादा कर रहे हैं वही दूसरी तरह अगर आप प्लांट बहुत बड़ा बना लें और उसमें फीडिंग कम करें तो गैस की मात्रा भी कम मिलेगी और आपकी जो प्लांट की इफिशियंसी खत्म हो कम हो जाएगी और ओवर दी टाइम जब उसको अगर ज्यादा भी आप फीड करना चाहेंगे तो आपको ठीक से प्लांट काम नहीं करेगा इसलिए प्लांट का जो आकार है वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आपके पास पशुओं की संख्या कितनी है अब जो बायोगैस प्लांट है उसमें गोबर तो आप घोल के डाल रहे हैं लेकिन अगर उसे लैट्रिन को भी लिंक कर देते हैं तो इस लिंक करने से किसी प्रकार की ना तो गैस में खराबी आएगी ना खाद में खराबी आएगी और आपकी जो वेस्ट वेस्ट भी जो वेस्ट है वो भी खाद बन के निकलेगा और बहुत अच्छा खाद बन के निकलेगा और ना कोई बदबू होगी ना कोई खराबी होगी तो आप उससे भी अगर लिंक करते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि स्वच्छ भारत के लिए अभियान के लिए हमें जो ओपन में खुले में जाने का सोच जाने के लिए रोकना है तो उसके लिए जरूरी है कि घर में सोच हो शौचालय हो इस शौचालय को अगर हम बायोगैस प्लांट से अगर जोड़ देते हैं तो आपको अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसी के खड्डे में आपको अलग अलग खड्डे बनाने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली सीट रखनी है और आपके शौचालय में किसी किस्म की बदबू भी नहीं आएगी गंदगी भी नहीं रहेगी और साफ सुथरा रहेगा और इससे अगर आप गैस का भी प्रयोग कर पाएंगे और इससे अच्छा खाद भी ले पाएंगे और ये किसी किस्म से वेस्ट भी नहीं होगा तो जैविक खेती में भी काम करेगा और जैविक खेती में बिल्कुल काम करेगा क्योंकि अच्छा काम करेगा इसके बाद जो दूसरी गलती रहती है वो ये रहती है कि हम जो प्लांट में फीडिंग करते हैं वो कब करें कितनी करें चलिए इसमें मैं बात करूंगी लेकिन एक कॉलर है छोटू है जिन्होंने बारह बंकी कॉल किया है जी छोटू जी बताइए सवाल क्या है मैम हम जैविक खाद किस प्रकार बनाएं जैविक खाद से किस प्रकार बनाए खाद किस प्रकार बनाए ठीक ठीक है थीक है, थीक है, थीक है अभी तो हमने आपको बायोगैस प्लांट के बारे में बताया उससे भी जैविक खाद निकलती है लेकिन और भी हम बातें बताएंगे कि, कि और किस किस प्रकार से जैविक खाद बना सकते हैं लेकिन अभी आपका जो एक पॉइंट रह गया था कि फीडिंग कितनी करे उसको थोड़ा पूरा हमें जो, जो फीडिंग करनी है तो इसमें जो गोबर और पानी को दोनों को मिक्स करके डालना होता है तो गोबर की मात्रा जैसे अगर आपके पास तीन घन मीटर का प्लांट है तो तीन घन मीटर के प्लांट में हर रोज लगभग पचहत्तर किलो गोबर चाहिए और लगभग पिचहत्तर लीटर पानी चाहिए और दोनों को एक एक भाग में अगर मिला हम डालते हैं तो ये सही मात्रा है और जब पिचहत्तर किलो गोबर डालेंगे और पचहत्तर किलो पानी उसमें मिला के डालेंगे तो इस प्लांट से आपको हर महीने लगभग तीन एलपीजी सिलेंडर के बराबर गैस मिलती रहेगी जी जी जो कि पंद्रह आदमियों का खाना बनाने के लिए पर्याप्त है उनका खाना भी बनेगा और सब चीज़ें होंगे रोशनी भी कर सकते हैं तो इससे रोशनी भी की जा सकती है अब बात आती है बहुत से हमारे किसान ऐसे हैं जो पशुओं की संख्या ज्यादा रखते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि उनको तो अगर बड़ा प्लांट बनाते हैं और गैस आपके पास एक्सेस है तो इस गैस का प्रयोग बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं इसको आप इंजन में प्रयोग करके बिजली भी बना सकते हैं और इंजन चला के आप आटा भी बना सकते हैं कुट्टी भी काट सकते हैं पानी भी निकाल सकते हैं और इसके अलावा आज ऐसी भी तकनीक उपलब्ध है कि इस गैस को हम प्यूरीफाई करके अगर हम सी एन जी सिलेंडर में भर देते हैं तो ये सी सिलेंडर का सी का भी काम करेगी यानी कि आपके वाहन चलाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत बड़ा प्लांट होना चाहिए कम से कम हजार से दो हजार प्लांट, प्लांट, प्लांट भी बना सकते हैं मिलकर उसके लिए आपको ढाई सौ से पांच सौ क्विंटल गोबर अगर हर रोज है तो आप इस किस्म की सोच सकते हैं तो उससे आपको ये भी बेनिफिट मिल सकता है इसके अलावा जो इसकी जो लाइट वाली बात कर रहा था मैं वही लाइट वाली बताना चाहूंगा कि लाइट के लिए तो इसमें आपको अलग से बल्ब नहीं लगाने होते इसका आता है अगर आप उसको लिंक दे देते हैं तो जो रोशनी है उस में भी काफी विशेषताएं हैं। इसकी रोशनी के अंदर मच्छर मक्खी नहीं आते हुँ, हुँ. अगर आपको बरसात के मौसम में शाम को खाना खा रहे हैं और आपने रोशनी की तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं हैं कई बार हम देखते कि लेकिन अगर की खाना खाना पड़ता प्लांट की इसकी की रोशनी लैंप रोशनी है हुँ, हुँ. तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और आपका घर स्वच्छ रहेगा और आप उसको काम कर सकते हैं साथ साथ में इसकी गैस का प्रयोग करके मूल्य संवर्धन भी कर सकते हैं और जिससे गांव में रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं अभी एक छोटू का सवाल था कि हमारे जो जैविक खेती के लिए खाद कैसे बनाएं? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 1960 से पहले तो अधिकतर खेती जैविक खेती ही थी ये हमारे पास रसायनों का उपलब्धता ही नहीं थी और हम लोग देसी खाद बनाते थे और देसी खाद बनाने का तरीका ये होता था कि हम कोई खड्डा बनाते थे और खड्डे में गोबर डालते रहते थे जब वो सड़ जाता था उसका खेत में प्रयोग करते थे एक तो विधि ये हो गई लेकिन उससे अच्छी एक और विधि आई है कि कैचुए की खाद अगर उसमें कैचए का प्रयोग करते हैं खाद बनाने के लिए तो जहाँ पे कुर्डी में जो गोबर का खाद बनता है उसमें अगर छह से नौ महीने लगते हैं तो कैचवियों के द्वारा ये खाद जो है ढाई से तीन महीने में तैयार हो जाता है और ये एक तो कम अच्छी हो गया। होती है। और इस खाद की गुणवत्ता भी उस खाद से कहीं बेटर होती जे, है जे। इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा भी भी अधिक होती होती है है इसकी गुणवत्ता अच्छी और ये दानेदार खाद होने की वजह से इसको हैंडलिंग में भी किसानों को आसानी रहती है और कम मात्रा में खाद प्रयोग करने से भी ज्यादा लाभ मिलता है और कई बार तो मैंने ये भी देखा है तीसरा खाद है वो बायोगैस की सब्जी जो मैंने बताया था वो खाद जो है वो वर्मी कंपोस्ट से भी बेटर है और इसका प्रयोग करने का भी साधन तरीका जो बहुत आसान है और इसमें जो लेबर भी कम लगती है ताकत भी कम लगती है इसे लाभ भी ज़्यादा है खड़ी फसल में प्रयोग किया जा सकता है तो जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती का आधार बायोगैस सैलरी बन, बन, अगर बनती है तो हमारे किसानों को उत्पादन ज़्यादा मिलेगा लागत कम आएगी और साथ साथ में जो कई बार हमारी बात आती है कि जब हम जैविक खेती शुरू करेंगे तो शुरुआत में उत्पादन कम हो जाएगा जी जी। तो मैं उन किसानों को बताना चाहूंगा आपका उत्पादन कम नहीं होगा अगर आप सही मात्रा में बायोगेस सर्दी का प्रयोग खड़ी फसल में भी करते हैं और फसल लगाने से पहले भी करते हैं तो आपके खेत के अंदर जो उत्पादन में कम होने की चांसेज हैं वो ना के बराबर रहेंगे और नहीं होगा बल्कि बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एक से दो साल बाद तो उसका उत्पादन बढ़ेगा क्योंकि आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति काफी कमजोर है जब बार बार उसमें वायुगल का प्रयोग होगा तो उसकी मिट्टी की शक्ति बढ़ती जाएगी और एक दो साल के बाद वो बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी उसके बाद तो जो आपका उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाएगा कि जितना आप रासायनिक खादों के माध्यम से ले रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा एक तो उत्पादन ले पाएंगे साथ साथ में उसके उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर होगी और इस किस्म की फसल में कीड़े मकोड़े खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है तो इसलिए आपको रसायनों की जरूरत ही कम पड़ेगी नवाज जैसे कि हमारे छोटू जो मैं दर्शक इनका सवाल था कि जैविक खाद कैसे अपने वर्मी यानी खेचुआ खाद के बारे में बताया और बायोगैस प्लांट से जो खाद निकलती वो भी लेकिन अभी हम जब शुरुआत में कार्यक्रम में रिपोर्ट दिखाई थी तो हमने कुछ कल्चर्स के बारे में भी बताया था टीका जो है जिससे कि खेत में पड़े अवशेष हो या फिर गोबर हो जो हमारे यहाँ की काफी समस्या भी है कि उसका सही तरीके से निपटान नहीं होता है तो उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है एक्चुअली एक रैपिड कंपोस्टिंग का कंसोर्टियम बनाया है बहुत सारे जीवाणुओं का और उस तरीके का अगर हम प्रयोग करते हैं तो खाद जल्दी बन जाता है अच्छा बन जाता है और इसका प्रयोग काफी मात्रा में हो भी रहा है और हमारे देश के अंदर छः आठ जैविक खेती के केंद्र हैं वो केंद्र इस टीके को बिक्री भी कर रहे हैं और यह टीका पूसा संस्थान में उपलब्ध है और इसके अलावा जो दूसरे कृषि विश्वविद्यालय वहाँ पे भी ये टीका उपलब्ध है किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान कहां ए, से सकते? आप सीधे आप या तो कांटेक्ट कर खुद जाके ला सकते हैं या आप इवन शायद डाक के माध्यम से भी जो हमारे जैविक के कृषि के केंद्र हैं जो भारत सरकार की तरफ से खोले हुए हैं अलग आठ है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में है आप उनसे भी मंगवा सकते हैं और इसका प्रयोग सीधे भी कर सकते हैं और इस टीके को और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं यानी कि आप लगभग एक प्लास्टिक का टैंक लें उसमें 200 लीटर पानी लें उसमें कुछ गोबर डालें कुछ और गोबर डालने के साथ साथ में कुछ गुड़ और बेसन भी डालें और साथ साथ में उसमें ये टीका भी डाल देते हैं तो टीके की मात्रा बढ़ जाती है और इस टीके का प्रयोग पूरे खेत में किया जा सकता है और बाद में आपको नया टीका लेने की जरूरत नहीं है इसी का कुछ घोल बचा लें और अगला जो नया टैंक बना रहे हैं उसमें इस घोल का प्रयोग करते हैं तो ये भी टीके का ही काम करेगा क्योंकि जीवाणुओं का

कुछ और नए टीके बने हैं जो कि जैसे इसके जिंक के लिए हैं फास्पोस के लिए हैं पोटास के लिए हैं तो ये टीके भी विभिन्न संस्थानों में किसी भी विश्वविद्यालयों में उपलब्ध हैं और जैविक विज्ञान के केंद्र जो जैविक के केंद्र हैं इन पर भी में भी उपलब्ध है तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं क्योंकि जब हमें खेत से ज्यादा उत्पादन लेना है कम लागत में लेना है तो हमने बहुत सारे चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि कम लागत में हम ज्यादा पैदावार ले पाए तो इसका अगर प्रयोग करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैविक खेती से भी हमारी लागत भी कम आएगी पैदावार भी ज्यादा होगी उत्पाद हो उसकी गुणवत्ता भी बेटर होगी और बाजार में इसका अच्छा भाव भी मिलेगा तो ये किसानों की खुशहाली का एक तरीका हो सकता है जी जी बिल्कुल तो जिसे कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के गुठलों दाम ये वही बात हुई वो कहावत बिल्कुल यहाँ पर सही बैठती है और आगे हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी कुछ और हम प्रश्न यहाँ पर दर्शकों के शामिल करेंगे कार्यक्रम में क्योंकि अभी समय बाकी है और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रश्न हैं उन्हें हम जरूर आ, उनका समाधान आपको बताएं और हमने देखा कि बहुत सारे जो हमारे किसान हैं उनका रुझान जैविक खेती की तरफ बहुत देखने को मिल रहा है लेकिन स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए अभी तक कोई सवाल नहीं आए तो मैं चाहूँगी कि अगर आपके कोई अनुभव है वो भी आप साझा कर सकते हैं सुझाव दे सकते हैं कि किन किन बातों को हमारे दूसरे किसान भी अपना सकें अब डॉक्टर नवाज अब स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर लेते हैं जैसे कि आपने बायोगैस प्लांट के बारे में बताया कि जहाँ इसे जैविक खेती में भी लाभ है वहीं दूसरी तरफ गंदगी को दूर करने में भी ये बहुत लाभकारी है इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि अब सरकार इस पर भी बहुत फोकस कर रही है कि हमारे जो गांव हो ओ डी एफ हो यानी ओपन डेफिकेशन फ्री हो यानी खुले में शौच मुक्त हो जाए तो इस इस योजना के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि ये भी स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी और जो किसान या जो हमारे गांव में रहने वाले दर्शक हैं वो इसके बारे में भी अगर नहीं जान पाए हैं तो भी इसका लाभ उठा सकें वैसे स्वच्छता जो है हमारे देश में बहुत ही प्राथमिकता इसको मिली है पहले से ही मिली है महात्मा गांधी के समय से ही मिली है लेकिन अभी तीन चार साल से तो भारत सरकार ने इसका एक मूवमेंट सा बना रखा है और कोशिश सरकार की ये है कि जितने भी स्कूल है, 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 हैं गांव हैं घर हैं शहर हैं कस्बे हैं उनमें सब में ऐसी सुविधाएँ दी जाए कि किसी को भी बाहर खुले में सोच ना जाना पड़े और ना ही कोई दिक्कत रहे और ये इसलिए किया जा रहा है कि इस खुले में सौच जाने से कई सारे नुकसान हैं सबसे बड़ा नुकसान ये कि हम बाहर बैक्टीरिया छोड़ते हैं जिससे जीवाणु होते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं और ये जो जीवाणु हैं ये हमें भी बीमारी पैदा कर सकते हैं हमारे पशुओं को भी कर सकते हैं और हमारी फसलों में भी पैदा कर सकते हैं तो ये जीवाणु सबके लिए हानिकारक है और ये बात बिल्कुल सर्व सर्व सब सब लोग जानते हैं कि जो गंदगी है ये बीमारियों का घर है जी और अगर हम अपने गांव को घर को सब आसपास सफाई सफा रखते हैं तो आधे से ज्यादा बीमारियों को तो हम आने से ही रोक देंगे और जैसा कि आप जानते कि बहुत पुरानी कहावत है कि उपचार से उप, उप, उपचार से परहेज बला उसको बीमारी को आने से हमें बीमारी को आने से रोकना है तो रोकने के लिए सरकार इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि स्वच्छता का अभियान जो चलाया जा रहा है और हर गांव और हर कस्बे में चलाया जा रहा है और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तभी तो हमारी कई सारी राज्य पूरे पूरे खुले में सोच मुक्त हो चुके हैं और बहुत से जिले सोच मुक्त हो चुके हैं तो ये सब दिखा रहा है कि हमारे जो किसान भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अधिकतर किसान अब चाहते हैं कि उनके घरों में सो, सो, सोच हो शौचालय हो और शौचालय में ही सब लोग जाए और बाहर बिल्कुल ना जाए क्योंकि गंदगी से सभी लोग तंग आ चुके हैं और गंदगी से जो बीमारियां फैलती हैं इसके बारे में भी काफी जागरूकता आ चुकी है हाँ कुछ लोग गरीब लोग जो नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जो कि कौ, कम्युनिटी शौचालय बना रहे हैं जहाँ पे खुले में कोई भी जा सक, जो खुले में जाने वाले जो जिनके पास घर में शौचालय नहीं है वो लोग जाएं और खुले में ना जा पाए जिससे कि साफ सफाई रहे तो उसमें भी हमारी पंचायतें भी काफी काम कर जी रही जी हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं उन्होंने भी इसमें काफी रुचि ली है और बहुत सारे स्कूलों में शौचालय बनाए गए बहुत सारे गाँव सामाजिक जिम्मेदारी वो भी निभा तो जिम्मेदारी जो, जो है ये सब मिलकर निभा रहे हैं और इसमें जनता की भागीदारी भी बहुत और जो सरकार है। सरकार की तरफ से शौचालय बनाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है वो राशि दी जा रही है उसके बारे में भी थोड़ा बता दें हमारी जितनी भी पंचायतें हैं पंचायतों के माध्यम से राज्य सरकारें जो हैं शौचालय बनवाने के लिए अनुदान दे रही हैं और अनुदान ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जानकारी दे रही है कि आपको शौचालय कैसे बनवाना तकनीकी जानकारी दे रही है और साथ साथ में ट्रेंड मैसन भी उपलब्ध करवा रही है जिससे कि आपका जो डिज़ाइन है वो ठीक हो आप में कहीं बदबू ना आए उसमें कोई ख़राबी ना रहे तो वो सभी जानकारी दी जा रही है और साथ साथ में जितनी भी पंचायत इनको हिदायत दी गई है कि जितने लोग इनके पास आते हैं उनको इसके बारे में मदद की जाए और उनको प्रायोरिटी के माध्यम से ये सब चीज सब चीज दी जाए और कहीं कहीं पे तो सरकार की तरफ से फ्री में भी शौचालय बनाए जा रहे हैं जे जे। और कुछ तो संस्थान है जैसे हमारी बहुत सारी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उसमें एक होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सियार फंड से भी कुछ गाँव में शौचालय बनाए जा रहे हैं और कुछ कस्बों में बनाए जा रहे हैं जिससे कि हमारा देश साफ सुथरा रह सके और खुले में शौच मुक्त हो सके और सरकार की जो योजना है आपने देखा होगा रेडियो पे टीवी पे जितने भी संचार माध्यम है उनके माध्यम से भी हर आदमी को इसकी जानकारी दी जा रही है कि योजना क्या है कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं इससे क्या क्या फायदे होंगे जी, जी और किस तरह से सरकार इसको प्राथमिकता दे रही है वो सब बातें हो रही हैं और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा जो वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं इन्होंने मन की बात में भी इसकी कई बार चर्चा कई की बार है और बहुत ज्यादा चर्चा की, और चर्चा की और हम है। देख भी बार तो रहे की हमारे जो हमारे जो किसान है जो हमारे गाँव में रहने वाले दर्शक है वो इसे समझ भी रहे हैं बहुत सारे हमारे जो किसान है हमें बताते भी हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसे अपने गांव में पहुंचाया है और कैसे गांव के गांव जो है इसे जुड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है इस बीच हमारे दर्शक हैं ब्रजेश जिन्होंने हरदोई से फोन किया है जो जी ब्रजेश जी बताइए सवाल क्या है आपका हेलो जी ब्रजेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे हेलो हाँ जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे हाँ जी बात पूरी कीजिए तो बेक्टर और बीएम के टीके के विषय में बात कर रहे थे जी तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पेस्टिसाइड के भी अगर टीके उपलब्ध पेस्टिसाइड के विषय में जब हम टेस्ट कंट्रोल करते हैं तो वो उसके लिए क्या करना है हमें ऑर्गेनिक कंट्रोल कैसे करेंगे पेस्ट कंट्रोल के लिए हाँ जी और नंबर दो ये है कि हरदोई क्षेत्र में हमारा रिसर्च स्टेशन कहाँ कहाँ से उपलब्ध होगा ये टीका जी मैं आपको बताना चाहूँगा की माइक्रोनिट्रीड दोनों के लिए जब हम जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में वो सब जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं कि अगर बीमारियों को कैसे रोकना है कीड़ों को कैसे रोकना है और पोषक तत्वों का प्रबंध कैसे करना है जो पोषक तत्वों की बात तो हमारी आ गई है कि हम जो हमारे खाद हैं उसके साथ में जीवाणु खाद का प्रयोग करें तो हम इसका पूरा लाभ मिल जाता है इसी तरह से मैंने आपको बताया था अभी कुछ चर्चा हुई थी जब कि ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्माविडी सुडोमोनास और काली सेना ये कई सारे ऐसे जो जैविक चीज़ें हैं जिनका बीमारी नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं बीज उपचार में भी प्रयोग करते हैं और अगर बीमारी आ जाती तो भी इनका प्रयोग करते हैं और ये बड़ी सार्थक और अच्छी काबिल हो रही है दूसरी मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि बीमारी और कीट आने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे खेत में वो कैसा है लोकल माहौल कैसा है यानी कि हमने फसल कैसे बोई है कितनी दूरी पर बोई है पानी कैसे लगा रहे हैं जितनी ज़्यादा नमी होगी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तो कीट और बीमारियों का आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है जब हम फसल को बिखेर के बोते हैं तो बीमारी और कीट आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है तो लिहाजा आपको समय समय पर जानकारी दी जाती है कि कम पानी से ज्यादा पैदावार कैसे ली जाए जैसे हम कहते हैं टपक सिंचाई विधि जब आप टपक सिंचाई विधि दी का प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में नमी कम होगी जब नमी कम होगी तो कीट और कीटों का प्रकोप भी कम होगा बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा खरपतवार भी कम आएंगे तो जो ये जो हम जैविक खेती की जो बात करते हैं ये एक सिंपल वो सिंपल नहीं है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिला के करनी पड़ती है कि भूमि के कैमें उरा शक्ति कैसे देनी है बीमारी और कीटों को कैसे रोकना है जैसे एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनमें कुछ खास बीमारी आती ही नहीं है उन अगर किस्मों का प्रयोग करते हैं तो हमें रसायनों का प्रयोग करना ही नहीं पड़ेगा तो हमें किस्मों का भी प्रयोग करना है बीज का उपचार भी करना है जैविक तरीके से उसके बाद में उसकी बुआई का तरीका भी ठीक होना चाहिए और हमारा बुआई बुआई का समय भी ठीक होना चाहिए और उसके बाद में हमें ध्यान रखना है अपने खेत को पूरी मॉनिटरिंग करते रहना है कि हमारे खेत में कोई बीमारी और कीट का प्रकोप तो नहीं हो रहा है अगर को प्रकोप होता है तो आप अपने आसपास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं तो आपको जैविक तरीके से बताएंगे कि आपको इसमें नीम का तेल का प्रयोग करना है या किसी और सोल्यूशन का प्रयोग करना है तो आप उसका प्रयोग नियंत्रण कर सकते हैं इसी तरह जब कीट नियंत्रण की बात आती है तो कीट दो तीन किस्म के होते हैं एक होते हैं रस चूसने वाले कीट आपने सुना होगा आजकल हमें बार बार एक तो एक तो किस्म किस्म खास किसम का नेट आता है अगर वो हमारी कुछ बहुत बहुमूल्य फसल है तो उसके ने, नेट के अंदर उसकी खेती करते हैं तो जितने भी रस चूसने वाले कीट उसके अंदर घुस नहीं पाते हैं और जब घुस नहीं पाएंगे तो हम उसको कीट मुक्त खेती कर सकते हैं तो इसको कहते हैं हम संरक्षित खेती जो उसमें ऐसे की जा सकती है दूसरा तरीका ये होता है कि आपने सुना होगा प्रकाश परपंच इनके जहाँ हमारा खेत है वहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं उसके नीचे एक बड़ा सा कोई भी टब रख देते हैं उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो जितने भी हानिकारक कीट हैं और रात को उस बल्ब को ऑन कर देंगे तो उसकी रोशनी को देख के हानिकारक कीट हैं वो उसके आसपास पास आएंगे उसके अंदर गिरेंगे तो मर जाएंगे तो हमारी फसल के अंदर नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे तो सबसे बड़ा तरीका तो ये होगा दूसरा तरीका ये हो गया कि आज हमने बहुत सारे फिमोन ट्रैप हमने तैयार कर रखे हैं जिसमें खास किस्म की गंद आती है और गंद आने की वजह से कीट उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और जब कीट वहाँ आते हैं तो कीट वहाँ फंस जाते हैं बाहर निकल नहीं पाते हैं जब कीट फंस जाएंगे वहां पर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो हमारी फसलों में नुकसान नहीं करेंगे और साथ साथ में हमें ये ज्ञान रहेगा कि हमारी फसल में कितने कीटों की संख्या चल रही है उसके अलावा कई सारे दूसरे जैविक तरीके हैं जिन जहाँ पे कीट नियंत्रण किया जा सकता है जैसे नीम का तेल का प्रयोग प्रयोग कर सकते हैं अरंड का आखे का प्रयोग कर सकते हैं गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं इसके कई सारे फॉर्मुलेशन भी हैं तो ये जो सभी की सभी जानकारी है जैसे आप क्योंकि हरदोई से बोल रहे हैं तो हरदोई के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र है आप हरदोई वाले अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और इसकी पूरी जानकारी हासिल करके जे, आप जे। अगर जैविक खेती करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा आपकी लागत कम हो जाएगी और आपको अच्छा पैसा मिल सकता है डॉक्टर ये भी बताइए की जैसे की आपने हमें बताया की कुछ जो वर्मी कम्पोस्ट है इन सब चीजों के लिए एक दो दिन की ट्रेनिंग का भी एक विकल्प है हमारे किसानों के पास तो जो जैविक खेती हमारे किसान अपनाना चाहते हैं तो क्या उसको लेकर भी किसी तरह के ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें किसान भाग ले सके बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा के भी चलाए जा रहे हैं जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय उनके द्वारा भी चलाए जा रहे हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद के बहुत से एक लगभग एक सौ पंद्रह संस्थान है उनके भी द्वारा भी चलाए जा रहे हैं इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से आठ जैविक जैविक केंद्र खुले हुए हैं ये जो जैविक केंद्र खुले हुए देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे दिल्ली के आसपास जो है वो गाजियाबाद में है ऐसे एक केंद्र हिसार में है एक केंद्र बेंगलोर में है और देश के अभी विभिन्न हिस्सों में है तो ये जो केंद्र हैं, इनका भी मुख्य उद्देश्य ये कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जाए उनको प्रोत्साहन दिया जाए और बहुत सारे कृषि भी हमारे जो, जो क्योंकि कृषि जो है राज्यों का विषय है जो कृषि विभाग है राज्यों के वो भी इसमें ट्रेनिंग भी देते हैं और जानकारी भी देते हैं जी, जी, तो वहाँ पे भी जानकारी ले सकते हैं जी, जी, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोई ट्रेनिंग भी ले सकते हैं जानकारी भी ले सकते हैं और आप जैविक खेती की शुरुआत कर सकते जी, हैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आप स्टूडियो में आए और दोनों ही विषय बहुत अच्छे थे और हमारे किसानों ने भी इससे जुड़े हुए प्रश्न हम तक पहुंचाए आशा करते हैं कि हमारे किसानों को जरूर इन जानकारियों से लाभ होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपका कर... बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने किसान भाई को भी धन्यवाद करता हूँ उन्होंने काफी रुचि ली और हमें भी काफी मौका दिया बोलने के लिए और साथ साथ में हम जान पाए कि हमारे किसान भाई कैसे आगे बढ़ रहे हैं जी बिल्कुल और इसी तरह हम हर अंक में नए नए जो विषय हैं वो हम शामिल करते रहेंगे जो कि हमारे किसानों से जुड़े हुए हैं उनकी बेहतरी के लिए विकास के लिए बहुत जरूरी है फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही लेकिन कल जो हमारा एपिसोड होगा कल जो अंक होगा तो उसका विषय क्या है ये आपको बता दें कल हम बात करेंगे सूरजमुखी की काश्त की और साथ ही साथ हम मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी चर्चा करेंगे तो कल की ये विषय हैं जो कि हमारे किसान अभी जान चुके हैं तो अपने प्रश्न आप तैयार रखें कल फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी जब आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकेंगे